सो है गाइस, प्रिया सबसे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे ब्लॉग नंबर थर्ड है, जो कि ये आपको थर्ड नहीं, हाँ थर्ड ही रहेगा, ये थर्ड या फोर्थ रहेगा, मैं बता नहीं सकती हूँ। चलिए पार्ट करके मैं एक एक पार्ट करके मैं डालूंगी और दिखाऊंगी आपको, क्योंकि 3 दिन के जर्नी में मैं 3 दिन क्या बोलती हूँ, मतलब पैकिंग छोड़ के 2 दिन के जर्नी में मैं एक ही ब्लॉग 2 ब्लॉग में नहीं दिखा पाऊँगी। पूरा दिन हम मतलब घूमते फिरते रहते हैं, तो आपको दिखाना है, तो ये थर्ड ब्लॉग रहेगा या फोर्थ रहेगा। चलिए वीडियो में बने रहिएगा आप सब लोग। तो सबका मतलब नहाना धोना सब कुछ हो गया, तो यहाँ से चेकआउट का टाइम हो गया और हम लोग कहीं निकलेंगे अब जाने के लिए। तो जाएंगे तो थोड़ा घूमते फिरते जाएंगे, तो चलिए वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए सब कुछ हो गया और यहाँ का सीन कुछ ऐसा हो चुका है। तो चलिए सब लोग कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिए, फ्रेश हो गए हैं, बस निकलने का टाइम होने वाला है। बाबू सोया है, दूध पी लिया और बच्चे भी हमारे वहाँ पे फ्रेश हो गए हैं और कुछ फोटो वगैरह शूट चल रहा है। चलिए वीडियो में बने रहिएगा आप सब लोग। तो यहाँ पे हम बहुत सारे हैं फरे हुए, तो हम लोग यहाँ से लेंगे, तो इसके जाली के अंदर आएगा तो मतलब वो फटेगा नहीं ना, इसके लिए लगाया गया। तोड़ने का स्टाइल भी मस्त है, हवा से भी तो गिरता होगा ना। वाह, पूरे एक ही झोपे में कितने आम है, 5 है। चलिए तोड़ लेते हैं। आम गिर जा रहे हैं, तो गाइस देखिए आम इतना ले लिया हम लोग और इसको लेके जाएंगे मुंबई। कहाँ भाग रहा है तू? तो गाइस तो यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, अभी जस्ट यही निकली रहे हैं। आप देख लीजिए बैक टू सीन, देख लीजिए जर्नी का लास्ट। बस हम यहाँ से निकल चुके हैं, आपको मिलते हैं। तो गाइस आ गए हम लोग मांडवा स्टेशन, देखिए यहाँ पे लिखा मांडवा प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे फास्ट शिप। देखिए कैसी फास्ट शिप रहती है, चलो चलो चलो, लड़ जा रहा है, देख लीजिए पीछे। तो गाइस पहले हम आ जाते हैं यहाँ थोड़ा होटल में नाश्ता वगैरह करके, काउंटेंट सीजलर्स। क्या हुआ? हाँ तो गाइस हम लोग आ गए यहाँ पे समुद्र के पास, हम ले लिए बाबू के लिए सिप, क्योंकि ये फास्ट सिप में हम लोग जो जाएंगे ना तो बहुत फास्ट, 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे हमको CST, और इतना फास्ट जाती है ना कि आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। आप लोग के लिए हम लोग फास्ट सिप में जा रहे हैं, और चलिए वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, आप लोग को भी दिखाएंगे। और बाबू को कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए हम पानी वगैरह चिप्स वगैरह ले लेते हैं बाहर से। तो गाइस यहाँ पर टिकट का हो गया चेकआउट, और देखिए स्पीड वाला बोर्ड नहीं मिला क्योंकि अब 3 से 4 बजे है और इतना टाइम का कौन रुकेगा। दिखाएंगे हमको आपको कि स्पीड बोर्ड क्या है, किससे जाते हैं, तो कभी आएंगे हम लोग उससे, क्योंकि ना टाइम बहुत ज़्यादा है, इतना टाइम हम लोग स्टेशन पे क्या करेंगे बैठ के। हमको पता नहीं था कि मतलब वो टाइम से मिलता है, तो इस बोर्ड में हम जाएंगे। इस बोर्ड से तो हम गए हैं जब फर्स्ट टाइम आए थे अलीबाग, तब इसी बोर्ड से आए थे। चलिए आप वीडियो बने रहिएगा, बहुत मजा। किनारे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, बोट में सब बैठ चुके हैं, धीरे धीरे होने वाली है फुल बोट, और यहाँ पे लोग यहाँ बैठे हैं और हम लोग बैठे हैं यहाँ पे किनारे।
चलते हैं ऊपर भी है, चलते हैं ऊपर दिखाते हैं आप लोगों को। सो गाइस, तो यहाँ पे बोट चल चुकी है और बहुत ही बोट हिल रही थी और पानी इतना तेज तेज से आ रहा था मुंह के ऊपर, क्या मतलब फेस पे सबके क्या बताएं, और ऐसे एकदम डायरेक्टली सामने से आ रहा था और बहुत ही बोट हिल रही है, आप लोग देख सकते हैं पानी इतना मतलब ये था ना, देखिए देखिए पानी का जो लहर है ना वो देखिए कितना ऊपर ऊपर तक आ रही है। तो सोचिए बारिश में बोट कैसे जाती होगी, मैं वही हस्बैंड जी से पूछ रही थी कि ये बोट बारिश में कैसे जाती होगी, बोलते हैं ये सब बारिश में डूब जाती है, सिर्फ चलती है रोरो और कोई बोट नहीं चलता, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत बड़ा समुद्र है और बहुत ही बड़ा, पता नहीं कहाँ कहाँ तक, कि बाहर गांव तक बोलते हैं हस्बैंड जी, बाहर गांव तक ये समुद्र चला गया है। और चलिए देखते रहिए आप लोग और देखिए पानी कैसे आ रहा है ऊपर और कितना दूर दूर तक आपको दिख रहा है, कहीं गाँव वगैरह कहीं कुछ शहर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मुझे तो कहीं नहीं, आजू बाजू में सारे मतलब चारों तरफ आपको दिखा दूंगी, तो आप चारों तरफ देख लीजिएगा अच्छे से, एकदम घूम घूम के कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, और जब दिखेगा मतलब डेढ़ घंटा तक हम लोग को लग गया, 1 घंटा 40-45 मिनट तक लग गया हम लोग को इस बोट से आने में, वो जो रोरो से आए थे वो 1 घंटा लगा था परफेक्ट, और जो स्पीड बोट आती है वो 15-20 मिनट में आती है, तो इसका कई रीज़न है, और जो बस उससे जाते सब ऐसे नॉर्मल वो 4-5 घंटा। तो पीछे साइड से हम देख रहे थे, देखिए कैसे पानी मशीन फेंक रही है, पहले के ज़माने में सब लोग ऐसे ऐसे पानी डालते थे जब नाव चलाते थे, यहाँ मशीन उड़ा रही है पानी, तो आप देखिए कितना पीछे कितना आराम से मतलब पानी मशीन फेंक रही है, कोई तो मशीन या इंजन कुछ तो होगा जो पंखा पानी फेंकती जा रही है, जहाज आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, तो ये डीजल से चलती थी, देखिए कितना बैटरी वोटरी तार वगैरह सब कुछ लगाया गया है, मशीनें कितने ज़्यादा इसमें हैं, क्या बताया सब जुगाड़ बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन ऐसे कभी कभी भाई इस ये सब चीज़ों में ना जाने में बहुत रिक्स है, क्योंकि ये जुगाड़ फेल भी हो सकता है। तो जहाज़ में इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, इतना ज़्यादा पानी का आवाज़ आ रहा था ना, कि मेरी वॉइस जा ही नहीं रही थी, अच्छे से सुनाई नहीं दे रही थी, इसीलिए मैं वो अब ऊपर से वॉइस डाली हूँ। और चलिए आप देखिए पानी का, देखिए कैसे उड़ रहा है पानी इस समय साइड साइड, तो साइड साइड वाले लोग ना बहुत परेशान हो गए थे एकदम, देखिए ये है कोयला की जहाज, यहाँ पे जा रहा है कोयला, सोचिए इतनी बड़ी जहाज जा रही है, सोचिए क्या, मैं तो देख देख के दंगी। तो गाइस यहाँ से देखिए बिजली बनने का सब ये सो जितना ट्रांसफार्मर दिख रहा है ना सब यहीं बिजली बनता है, बिजली का सारा काम यहीं पे होता है, तो सोचिए पानी से और बिजली से कितना बड़ा कनेक्शन है, और ये बीच में और देखिए कितना खतरनाक चीज़ है यार, आजू बाजू से ज़रा सा भी मतलब कहीं से भी करंट वरेंट आ जाए, और साइड में देखिए कितनी सारी जहाजें जा रही हैं, तो पता नहीं कैसे इन लोग को रास्ता पता चलता है और समझ में नहीं आता है कि ये लोग कैसे रास्ता देखते हैं, इनका भी मुझे नहीं समझ में आता है, और जो एरोप्लेन जाती है उसका भी नहीं समझ में आता है कि इन लोग रास्ता कैसे समझ पाते हैं कि कहाँ से जाना है। भाई ट्रेन का तो पटरी रहता है, वो अपने आप चलती है, और ये समझ में नहीं आता है, आप लोग को समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो गाइस यहाँ पे मैं बोली थी स्पीड बोट जाएगी तो आपको दिखाऊंगी, तो देखिए सब बोट यहाँ पे दिख गई आपको, देखिए ये जा रही है स्पीड बोट वाइट कलर की, ये 20 मिनट में आपको पहुँचा देती है, तो हर एक किता की बोट मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और यहाँ पे देखिए ये स्पीड बोट, देखिए थोड़ा थोड़ा धुंधला टाइप आ जाता है, लेकिन आप समझ गए होंगे और देख चुके होंगे, आप लोग देखे भी होंगे जगह मतलब कहीं कहीं जाते छोटे छोटे ब्रिज पे तो इसमें घुमाते भी हैं। चलिए वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे देखिए बाहर से ये जा रही है रोरो, जो कि बाहर से रोरो कैसी दिख रही है आप देखिए, अंदर से तो हम दिखाए थे बाहर से मतलब इस बोर्ड से और उस बोर्ड से दिखाए, तो करीब करीब हम आ गए हैं मुंबई में, देखिए मुंबई में आके कैसा दिख रहा है, अब भी जाके दिख रहा है कि मतलब हम कहीं आए हैं जैसे मतलब कोई गाँव कोई कुछ। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर ओबराय होटल दिख रहा है, गेट ऑफ इंडिया दिखेगा अभी, ये देखिए ताज होटल, सॉरी ये ताज होटल नया वाला और ये जूना वाला दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए अभी दिखेगा गेट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे सब कुछ मैं आपको दिखा दे रही हूँ पानी के अंदर से, बाहर से आप लोग देखे होंगे बाहर का लुक, और अंदर से हम आपको दिखा दिए, और अंदर से रोरो बाहर से रोरो कैसे दिखती है वो भी दिखा दिए, तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और बाहर निकलते हैं, चलते हैं पहले और देखते हैं, और बहुत धूप है, मैं हम लोग सोचे थोड़ा घूमेंगे गेट ऑफ इंडिया के पास, लेकिन बहुत धूप है, बिल्कुल रुकने लायक है ही नहीं।
तो यहाँ पे पास से आके दिखा दे रहे हैं, देखिए पास से कैसा लग रहा है गेट ऑफ इंडिया, पानी के अंदर जैसा लग रहा है, पानी के अंदर ऐसा, लेकिन कुछ भी नहीं है। चलिए आप देखते रहिए। और यहाँ पे हम लोग साइड साइड से आ रहे हैं, पास में आ जाएंगे। यहाँ पे एक स्पीड बोर्ड लगी हुई थी, उसी का इंतज़ार कर रहे थे कि वो हटे, ये जाके लगेगी। चलिए आप वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिए। एक बार हम लोग जो गए थे, जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, उससे गए थे हम लोग फर्स्ट टाइम जब गए थे। देखिए ये स्पीड वो जब जा रही है वाइट वाली। तो यहाँ पे सारी बोर्ड मैं देख चुकी हूँ, और तो मतलब दो बार गई, तो दो बार मैं आते से आ जाते समय मतलब सारी बोर्ड में बैठ चुकी हूँ। स्पीड बोर्ड में भी बैठी हूँ, वो मैं बीच पे जाके जब घूमी हूँ और कहीं गई, कहीं तो गई थी, याद आएगा तो बताऊँगी। तो गाइस यहाँ पे देखिए हम लोग उतर रहे हैं धीरे धीरे। अभी मुझे याद भी आ गया, मैं गई थी जब ही कर्नाटक, तभी बीच पे घूमी थी। आप लोग देखे होंगे मेरी वीडियो, और नहीं देखेंगे तो आप जाके देख लीजिए वहाँ पे। तो वहाँ पे शंकर जी का मंदिर वंदिर जब घूमे थे, तो वहाँ पे बीच पे गए थे, तो वहाँ पे हम लोग स्पीड बोट में बैठ के घूमे थे। चलिए वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे उतर गए, और उतरने के बाद देखिए सीधे जा रहे हैं हम लोग स्टेशन, मतलब आएंगे मतलब सॉरी इधर ऑटो नहीं चलता, इधर टैक्सी चलता है। तो बाहर निकलते हैं, तो पहले टैक्सी पकड़ेंगे, उसके बाद सीधे आएंगे होटल। होटल में बैठ के अच्छे से खाना वाना खाते हैं, खाना वाना खाने के बाद आते हैं, उसके बाद टिकट निकालते हैं एसी का, क्योंकि बहुत बहुत गर्मी थी, शाम उम्र था, तो ऐसा नहीं निकालते, और क्योंकि एसी ट्रेन हमेशा रहती भी नहीं है ना, तो कोई भी टिकट हम निकाल के आ जाते। लेकिन तो हम लोग रुक गए होटल में, वो चलेगा, लेकिन आएंगे तो उस बच्चे बोले आएंगे तो एसी में ही। यहाँ पर बैठ चुके टैक्सी में, और वहाँ से इतना खाना, कोई एक मिनट भी नहीं रुका, फटाफट बैठे और चलते हैं, कुछ खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद चलते हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग आ गए, टेबल पे लग गई है थाली, कर दिए खाना का ऑर्डर, दाल फ्राई, रोटी, चावल और पनीर चिल्ली और पनीर की सब्जी, बनाना नहीं पहले बता दे रहे हैं। आप लोग गौर से देखिएगा इंसान, नैना क्या खाना था तुमको, क्या खाना था आप लोग बताइए, कोई दोपहर के खाने में सैंडविच खाता है, जबकि घर पे भी इतना सैंडविच बनता है। तुमको क्या खाना है आज? ओए मैडम, ओए सर, क्या खाना है, क्या वाला क्या खाना है? जा, अरे बाप, चलिए खाना। यहाँ फर्स्ट आ गया है पनीर चिल्ली, जो कि सबसे प्लेट में चला गया है। सेकंड आ गया है सब्जी, पनीर बटर मसाला, यहाँ पे बटर को, यहाँ पे हमारी दाल फ्राई। चलिए यहाँ पे आ गए, देखिए हमारा मोबाइल तो वीडियो मतलब बीच में ही बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया है, हो गया था। तो घर पे आए तो जैसे ही, और सब लोग थोड़ा मतलब रेस्ट किए, मोबाइल लगाया चार्ज में, और अभी खाना वाना बनाया, अभी तक हस्बैंड जी आए नहीं। और चलिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सब कुछ दिखाने लगेंगे, खाना पीना तो अब डेली, कल से तो दिखाएंगे सब लोग सब कुछ डेली घर का। आज यही वीडियो कर देते हैं एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट। तो हमारा वीडियो ख़त्म कहाँ पे हो गया, मतलब मोबाइल बंद हो गया था, होटल में हम खाना खा रहे थे ना, उसके बाद ही बंद हो गया। उसके बाद हम लोग छाछ मंगाए, बच्चों लोग के लिए आइसक्रीम वगैरह मंगाए, कोल्ड ड्रिंक मंगाए, वही खा के हम लोग निकल गए, फिर आए, और कुछ हुआ भी नहीं, बस हम लोग आए, ट्रेन पकड़े अपना एसी का ट्रेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप रहती है, तो बच्चे लोग को हमारे नहीं हो पाता है, हम लोग तो मतलब ट्रेवलिंग कर भी लेते। तो चलिए वहाँ से उसके बाद डायरेक्टली हम लोग घर पे आए, कुछ हुआ भी नहीं वैसा खास, कि जो कि दिखाना आप लोग को बहुत ज़रूरी रहे। तो बस आए घर पे, घर पे आने के बाद मोबाइल चार्ज लगा, उसके बाद ठंडा ठंडा सब लोग पानी वानी पिए, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किए, उसके बाद जो जहाँ का वहाँ अपना अपना काम पे लग गए सब लोग। जैसे हस्बैंड जी दूध लाने जाते हैं थोड़ा, और बाकी नीचे जो उनको काम है वो करने चले गए, और मैं अपना खाना पीना बनाई। बाय बाय, गुड नाइट।